हेलो गाइज मेरा नाम है संजू ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर हिमाचल तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं शिमला की क्या आप शिमला अप्रैल में आ सकते हो आपको वहाँ पर स्नोफॉल या आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी कितना बजट रहेगा शिमला में, में अप्रैल में तो आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिमला में स्नोफॉल हर साल काफी ज्यादा कम हो रहा है इस बार तो स्नोफॉल ना के बराबर हुआ दिसंबर और फरवरी में तो शिमला में बिल्कुल स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिला जनवरी में थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ लेकिन वो सिर्फ हाइट हुई जगह पे हुआ तो चलिए मैं बात करता हूँ अप्रैल की तो अप्रैल शिमला का स्प्रिंग सीजन होता है इस टाइम यहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ने लग जाती है इस टाइम आपको मिनिमम टेम्परेचर सात से लेकर दस डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर बीस से लेकर पच्चीस डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिलेगा तो अगर तो बारिश होती तब तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्पेचर डाउन हो जाता है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें अगर आप शिमला अप्रैल में आ रहे हो तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आए क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं होता है अगर तो धूप रहती तब तो, तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर जो मौसम खराब होता है फिर तो यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वैसे तो शिमला में अप्रैल के मंथ में ज़्यादा क्राउड नहीं होता है तो अगर आप एक बजट ट्रेवलर है तो अप्रैल आपके लिए बेस्ट मंथ है घूमने के लिए क्योंकि इस टाइम आपको यहाँ पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा होटल टैक्सी में तो अगर आपको ज़्यादा भीड़ और पसंद नहीं है तब आप शिमला अप्रैल में आ सकते हो तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आपको शिमला में स्नोफॉल या फिर आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी अप्रैल में शिमला में स्नोफॉल के चांसेस है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम है लेकिन अगर बारिश दो तो या तीन दिन कंटिन्यू रहती तब जो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है अभी कुछ टाइम पहले मार्च में भी यहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए मिला लेकिन जो स्नोफॉल जो होगा इस टाइम वो सिर्फ़ हाइट वाली जगह पे होगा जैसे कि आपका कुफरी हो गया और नारकंडा हो गया और जो चांसेज है स्नोफॉल होने के वो बिल्कुल ही कम है तो चलिए मैं बात करता हूँ कि आपको शिमला में स्नो देखने के लिए मिल जाएगी तो अप्रैल में शिमला में आपको कोई भी स्नो देखने के लिए नहीं मिलेगी उस टाइम तक जो सारी स्नो पिघल जाती है अगर जो वहाँ पर फॉल होता है तब भी जो वहाँ पर आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी वो भी सिर्फ एक दिन या फिर दो दिन के लिए मिलेगी उसके बाद वो पिघल जाती है तो अगर आप स्पेशली शिमला के लिए स्नो फॉल या स्नो देखने के लिए यार तो मैं आपको यही बोलाऊंगी कि आप मत आप मनाली जाए वहाँ पर ज़्यादा चांसेज है कि आपको वहाँ पर स्नो देखने के लिए मिल सकती है और जो स्नो फॉल के चांसेज है वो वहाँ पर ज़्यादा है बाकी आपको शिमला की नेचुरल ब्यूटी आपको एंजॉय करनी है तो अप्रैल आपके लिए एक बेस्ट मंथ है इस टाइम जो रश भी कम होता है और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको शिमला अप्रैल में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए अगर आप पहले भी शिमला आ चुके हो तब तो मैं आपको बोलूंगा आप शिमला ना कहीं और जाएँ और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जो घूम सकते हैं और शिमला से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय आप कर सकते हो लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम शिमला के लिए आ रहे हो तो वो एक बात का ध्यान जरूर रखें आप जो अप्रैल से दिसंबर के बीच में बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि शिमला में आपको स्नो देखने के लिए मिलेगी उम्मीद है आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिक्वरी आया तो मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके आप आपसे पूछ सकते हैं मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद